हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल फेक 3D में। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नए बूट को लाए हैं, उससे आप अपने ग्रुप में जो भी है उसे आप सिखवाए रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बूट का नाम है रोजी मैनेजर बूट, जिससे आप अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम में उसे आप सिखवाया रख सकते हैं। किसी भी रूल का आप पालन करना हो उसे आप डिस्क्लाइमर में दे दीजिए, उससे आप लाइन बाय लाइन आपको सभी स्टेप समझाएंगे। चलिए पहले बूट को सर्च करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है रोजी बूट। आप जैसे ही सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बूट आ जाएगा, मिस रोजी बूट। आप इसका यूजर नेम देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नाम का बहुत सारे बूट इस पर है अवेलेबल, ये अच्छा इसमें से है। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं ऐड टू मी योर चैट, यानी कि एक ग्रुप बनाना है और उसमें ऐड करना है। तो चलिए पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे आपको ग्रुप बनाना है, पहले आप देख लीजिए। दोस्तों, ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे है न्यू ग्रुप। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर लेंगे, आपको कोई भी एक चैट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे ग्रुप का जो है टाइटल दे देना है। और यहाँ पे टाइटल देने के बाद, तो चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है बोट में, रोजी बोट में जाने के बाद, मिस रोजी बोट में जाने के बाद इसका यूजर नेम जो है यहाँ से क्लिक करना है। डबल प्रेस करने के बाद ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही कॉपी कर लेंगे, बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आपको ग्रुप में जाना है, और ग्रुप में जाने के बाद आपको इसको क्या करना है, एडमिन बना देना है। आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेट पर, और यहाँ पे जाने के बाद आपको इसे एडमिन करने के बाद यहाँ से सर्च कर लेना है और इस यूजर नेम को जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट कर देंगे, आपके सामने बहुत सारे बूट आ जाएंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल ही बूट को जो फर्स्ट नंबर आएगा उसी को ही आपको एडमिन बनाना है। आप इसे एडमिन बना सकते हैं। एडमिन दोस्तों बना लेने के बाद आपको बैक जाना है। जैसे ही बैक आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों बूट को ऐड करने के बाद यहाँ पे कमांड एक देना है, स्लेज स्टार्ट। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद से ही इसका सभी कमांड आ जाएगा। तो चलिए स्लेज स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, स्लेज स्टार्ट करने के बाद इसको सेंड कर देना है। आप जैसे ही सेंड कर देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है जो भी आपको चेंजिंग करना है सीधे बोट में जाइए, वहाँ पे मैंने आपके लिए जो है तैयार रखा है। तो आप यहाँ पे आना है। आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे आपको स्लेज हेल्प का ऑप्शन जो है प्रेस कर देना है, स्लेज हेल्प। उसके बाद से इसको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन इसमें आ चुका है, जो भी आपको इसमें लगाना है। तो जो भी इसमें इंपोर्टेंट रहेगा वही मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको जाना है एंटी रेड में, थर्ड ऑप्शन में आपके जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यूजर ज्वाइन हो रहा है उसे टेम्परेरी बैन होने के लिए, यानी कुछ देर तक वो कोई भी मैसेज ना करे, उसे करने के लिए ये कमांड का आप यूज कर सकते हैं, स्लेज कमांड। ये जो है यही यूज कीजिएगा, तो कुछ देर के लिए बैन रहेगा, जो कि आपको जो भी यूजर जो ऐड होगा वो कोई भी मैसेज नहीं कर सकता है। फिर से बैक कीजिए जो भी आपको ऑप्शन चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंस, बैंस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी यूजर को आप बैन करना चाहते हैं यहाँ भी, या फिर आप, तो दोस्तों जो भी यूजर को आप बैन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है स्लेज बैन, यानी जो भी मैसेज कर रहा है, ज़्यादा मैसेज कर रहा है, या फिर उससे आप परेशान हैं तो उसे बैन करना चाहते हैं, ग्रुप से परमानेंट निकालना चाहते हैं, तो आप स्लेज बैन ऑप्शन को जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिए और उस यूजर को रिप्लाई में स्लेज बैन जैसे ही भेज देंगे वो बैन हो जाएगा। आप चाहते हैं वो डिस बैन हो जाए फिर से, तो आपको डिस बैन पर ये आपको दोबारा प्रेस कर देना है, उस जो भी वो मैसेज किया होगा उसको रिप्लाई करके। और आप चाहते हैं कि वो कुछ देर के लिए बैन हो, जैसे 1 डे, 2 डे, यानी 5 दिन तक, 10। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि वो यूजर कुछ दिनों के लिए बैन हो, तो आप ये कमांड का जरूर यूज करें, टी बैन। आप देख सकते हैं टी बैन करने लिख लेने के बाद आपको कमांड को, चलिए बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको कॉपी कर लेना है टी बैन को। उसके बाद से आपको जितना भी देर उसे बैन करना हो, जैसे कि 3 आवर,
जैसे ही तीन हावर आपको यहाँ पे जो है टाइप कर देना है। अब जैसे ही 3 आवर कर देंगे यहाँ से और इसको सेंड कर देंगे, तो 3 घंटे के लिए जो है बैन हो जाएगा। उसके बाद से ही 3 घंटे बाद ही वो मैसेज कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूट करना चाहते हैं कि वो यूज़र म्यूट हो जाए, यानी कि वो कोई भी मैसेज ना करे, तो आप स्लेज म्यूट का जो है यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, ताकि वो बैन बैन भी ना हो और यहाँ से म्यूट हो जाए, वो मैसेज नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। अगर आप चाहते हैं स्लेज किक से, तो यानी कि उसे ग्रुप से बाहर निकाल सकते हैं एक ही क्लिक में, बिना कुछ किए, ना ही उस पर बैन का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट ही ग्रुप से निकल जाएगा स्लेज किक से। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को आपको बता दे रहे हैं। तो आपको बैक जाना है, जैसे ही बैक चले जाएंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक लिस्ट, आपको ब्लॉक लिस्ट में जाना है। जैसे ही ब्लॉक लिस्ट में जाएंगे, अगर कोई यूज़र को आपको ब्लॉक करना है तो उसे स्लेज ब्लैक ब्लॉक लिस्ट को आपको प्रेस कर देना है। अब जो भी उसका यूजर नेम रहेगा उसको यहाँ पे टाइप कर देना है ताकि वो बैन हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ही कुछ यूजर नेम, यहाँ से जाइएगा उस यूजर के अंदर, तो यहाँ से उसका यूजर नेम रहेगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और इसको सेंड कर देना है। जैसे सेंड कर दीजिएगा तो जो जो तो दोस्तों जैसे ही सेंड कर दीजिएगा, जो यूजर रहेगा वो बैन हो जाएगा, और आपको जो है ग्रुप में ही इसको यूज करना है, ताकि ये ग्रुप में ही होगा, इसमें आपको जो है नहीं करना है। ग्रुप में आप कीजिएगा तो ग्रुप में से वो बैन हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से आप यहाँ पे जाइएगा थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक लिस्ट, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किस किस को आपने ब्लॉक किया है, ब्लॉक लिस्ट में से आप जाकर देख सकते हैं। आप चाहते हैं ब्लॉक लिस्ट में से भी हटाना, तो आप सभी इसमें फीचर है, सभी से ऑन ब्लॉक यहाँ से कर सकते हैं। ऑन ब्लॉक उसको करना होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक क्लिक में ही। और दोस्तों फिर से बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का भाग जो है मैं। तो दोस्तों इतने करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद तो दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक और वीडियो में, उसमें आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा इसके बाद वाला। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।